वेलकम टू काजी कलेक्शन। उम्मीद है आपने व्हाट इफ का सीज़न 2 पूरा देख चुके होंगे, और अगर नहीं देखा तो अभी देखिए, सारे एपिसोड्स मौजूद है डिज्नी प्लस हॉट स्टार पे। अगर बात करें इस पूरे सीज़न 2 का, तो ऑडियंस ने मिक्स्ड रिव्यूज़ दिए हैं। किसी को पसंद आया तो किसी को एवरेज लगा। मैं अगर खुद के ओपिनियन से कहूँ तो मुझे ये सीज़न ठीक ठाक लगा। व्हाट इफ का सीजन 2 में मेनली दो कैरेक्टर्स के ऊपर फोकस्ड और हाइलाइट्स डालने की कोशिश की गई है, जो कि है कैप्टन कार्टर और काहोरी। काहोरी एक अलग मल्टीवर्स से है। उसको पावर टेसरेक्ट से मिली, और वो पावर उसको कैसे मिली ये आप सीरीज में देखेंगे। काहोरी का कैरेक्टर को काफ़ी अच्छी तरीके से डेवलप किया गया है इन छोटे से आधे घंटे के एपिसोड में। और यही नहीं, फिनाले में भी काहोरी को अच्छा खासा स्क्रीन टाइम दिया गया है, जहां वो कैप्टन कार्टर के साथ मिलकर फाइट करती है सुप्रीम स्ट्रेंज के खिलाफ। पर्सनली मैं ज़रूर चाहूँगा कि काहोरी के ऊपर एक लाइव एक्शन मूवी बने। और दूसरी ओर बात करें कैप्टन कार्टर का, तो भाई साहब क्या पावर मिलता है इनको। पावर ही क्या, इनको तो ओवर पावर मिल जाता है। एक तो सुपर सोल्जर, 6 इन्फिनिटी स्टोन्स, हेला का हेलमेट और थोर का ग्रीन स्वॉर्ड, खतरनाक तबाही। और क्यों ना हो ओवर पावर्ड, मुकाबला भी तो सुप्रीम स्ट्रेंज से था। अच्छा खासा फाइट सीक्वेंस के बाद और सुप्रीम स्ट्रेंज के अंत से एक नई दुनिया बनती है, जिसमें क्रिस्टीन को दिखाया जाता है। इस नए व्हाट इफ सीरीज से ये पता लगता है कि एमसीयू की फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में कितना पोटेंशियल है। मेकर्स हर वो कैरेक्टर्स को बदल सकते हैं जिनकी ज़रूरत होगी। आने वाले एवेंजर्स मूवीज़ में ये सारे कैरेक्टर्स महत्वपूर्ण हो जाएंगे। और आप बताइए, आपको व्हाट इफ का सीज़न 2 कैसा लगा? आपका पसंदीदा एपिसोड कौन सा था? कमेंट करें नीचे, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। बाय।